यहाँ पर हम प्रकाश की दैत्य प्रकृति कर रहे हैं और दैत्य प्रकृति में इस पर दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। नंबर एक है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, ठीक, किसी धातु की सतह से हम इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करते हैं, तो इसमें एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं कार्य फलन। इसको मैं पाई से शो करता हूं या डब्ल्यू नॉट से शो करता हूं, ठीक, वह न्यूनतम ऊर्जा जिसे देने से इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से उत्सर्जित होने लगते हैं। होने लगते हैं वह धातु का कार्य फलन पाई नॉट या डब्लू नॉट कहलाता है। इसकी इकाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल के इक्वल होती है। देखिए इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन 4 प्रकार से होता है। नंबर 1 तापायनिक उत्सर्जन। देखिए जब धातु की सतह को ऊष्मा दी जाती है तो ऊर्जा पाकर इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर आ जाता। तो अगर अपन बाहर आ जाता है इसे तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं।
सेकेंड होता है मेरे पास क्षेत्र उत्सर्जन। जब एक उच्च वोल्टेज का विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने की प्रक्रिया क्षेत्र उत्सर्जन कहलाती है। अगर अपन स्ट्रांग विद्युत क्षेत्र लगा देते हैं तो धातु की सतह से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, क्षेत्र उत्सर्जन बोलते हैं। नंबर थर्ड, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। जब धातु की सतह है एक विशेष एक विशेष आवृत्ति उच्च ऊर्जा की आपतित कराई जाती है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं यह उत्सर्जन प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहलाता। आप लोग प्रकाश विद्युत प्रवाह जानते हैं कि जब धातु की सतह पर एक उच्च आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इसी को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन बोलते हैं। चौथा, द्वितीयक उत्सर्जन। ठीक, जब किसी अन्य विधि से त्वरित उच्च ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन धातु की देकर
उत्सर्जित कराता है, यह द्वितीयक उत्सर्जन कहलाता है। देखिए, अगर कोई धातु की सतह है और उस पे किसी अन्य विधि के द्वारा कोई उच्च ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन टकराए, तो यह धातु के इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा देता है और उनको बाहर निकलता है, इसे हम क्या बोलते हैं, द्वितीयक उत्सर्जन कहते हैं। तो यह द्वितीयक उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, देखिए में आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रवाह के नियम हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए आइंस्टीन ने क्या किया, लेनार्ड और हेवलाच और हर्ट्ज की सहायता से यहाँ पर कुछ नियमों को प्रतिपादित किया जो प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम थे। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने प्रकाश विद्युत नियमों के ऊपर आवृत्ति तीव्रता आदि के नियम को बताया, इन्हीं को मैं बताता हूँ। तो पहला नियम यह है कि एक न्यूनतम आवृत्ति जिसके नीचे की आवृत्ति के प्रकाश को धातु की सतह पर आपतित कराने और इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं है। पहली आवृत्ति या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो एक न्यूनतम आवृत्ति जिससे नीचे के प्रकाश को धातु की सतह पर डालने पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं है, क्या कहलाता है, पहली आवृत्ति कहलाती है। दूसरा नियम ये बताया उसने, इलेक्ट्रॉन जो कि धातु की सतह से बाहर निकलते हैं,
उनकी ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। तीव्रता पर नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसमें आप ध्यान रखिए क्या लिखा है। इलेक्ट्रॉन जो धातु की सतह से बाहर निकलते हैं, ज्यादा वृद्धि का प्रकाश है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे, तीव्रता पर निर्भर नहीं करते। तीसरा, आपतित प्रकाश की तीव्रता केवल धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने या उत्सर्जन के समानुपाती होती है। ऊर्जा के नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, अगर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर, ठीक है। वह उनके ऊर्जा के ऊपर निर्भर या ऊर्जा से उसका कोई संबंध नहीं होता। चौथा नियम यह है, आपतित प्रकाश की तीव्रता, आपतित प्रकाश की आपतन होने और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने की घटना तात्क्षणिक होती है। इसका मतलब है जैसे इलेक्ट्रॉन जैसे ही प्रकाश आपतित होता है तुरंत इलेक्ट्रॉन लगता है, उसके निकलने और आने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। इसको मैं क्या बोलते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम कहते हैं, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, इनको नोट कर।